जनपद सिद्धार्थनगर के बांसी कोतवाली क्षेत्र के भड़ही मिश्रौलिया गांव के चवरताल मड़ई में आज सुबह करीब 8 बजे एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने इसकी सूचना संबंधित कोतवाली पर दी। घटना पर पहुंची पुलिस और शव को जमीन से निकलवाया, जिसकी पहचान कोयली देवी के रूप में हुई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्यवाही में जुट गई। साथ ही आसपास के लोगों वो ग्रामीणों से पूछताछ भी की। मौके पर फॉरेंसिक टीम पुलिस की टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर घटनास्थल का गहनता से जांच किया। वहीं मृतक के लड़के ने बताया कि मृतका मेरी माँ थी, हम लोगों को घर से सूचना की गई थी, माँ 19 तारीख से गायब हैं, हम लोग बाहर रहते हैं, हम लोग प्रदेश से घर आए 21 तारीख को, हमने गुमशुदगी की रिपोर्ट बांसी कोतवाली में दी। आज सुबह गांव के सीवान में जमीन में दफनाया शव मिला। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ ने बताया, जब थाना बांसी के चवरताल मड़ई में एक वृद्ध की डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल पहुंचकर बॉडी को कब्जे में लेते हुए विधि कार्यवाही में जुट गई। जानकारी में ज्ञात हुआ कि मृतका कोयली देवी 60 वर्ष के रूप में हुई, जिनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 21 अक्टूबर 2023 को संबंधित थाने में दर्ज की गई थी। तहरीर में 4 व्यक्तियों को नामजद किया गया है, जिसमें 2 बाल अपचारी हैं। तहरीर में उल्लेखित है, घर में प्रचलित प्रेम प्रसंग की जानकारी होने पर नामित अभियुक्तों द्वारा मृतका की हत्या की गई है। विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में विधिक कार्यवाही की जाएगी। क्या नाम है आपका, रहने वाले कहाँ के हैं और जो मृतक है कौन है आपकी? हमारी माँ है और रहने वाले चौरताल के हैं और मासी थाना लगता है। क्या घटना हुई थी? घटना सर कुछ भी नहीं हुआ, हम लोग तो बाहर थे, हम लोग को मालूम हुआ 19-20 रात को ये काम हुआ, हम लोग को सुबह पता चला तो रात को बैठ गए, 21 तारीख को सुबह आ गए, थाने में अप्लाई भी कर दिए। थाने में क्या एप्लीकेशन दिया था? गुमशुदा की सर। शव कब मिला? शव सर आज मिला जो है 24 तारीख को सुबह करीबन 8 बजे। आज दिनांक 24/10/23 को थाना बांसी के ग्राम चवरताल मड़ई में एक वृद्धा की डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई थी। स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पुलिस पहुंचकर बॉडी को कब्जा पुलिस में लेकर अग्रेतर विधिक कार्रवाई प्रारंभ की गई। जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि उक्त वृद्धा श्रीमती कोयली देवी, जिनकी उम्र करीब 60 वर्ष थी, की गुमशुदगी थाने पर दिनांक 21/10/23 को दर्ज की गई थी। प्रकरण में परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। तहरीर में 4 व्यक्तियों को नामजद किया गया है, जिसमें 2 बाल अपचारी हैं। तहरीर में यह उल्लेख किया गया है कि घर में प्रचलित एक प्रेम संबंध के विषय में जानकारी हो जाने के कारण नामित अभियुक्तगण द्वारा मृतका की हत्या की गई थी। अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है। विवेचना के दौरान जो तथ्य प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर सुसंगत धाराओं में का समावेश करते हुए अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जाएगी।